नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 जून 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ है। एंटी अग्निपथ स्टिर टर्न्स वायलेंट। भैया, ये जो अग्निवीर स्कीम आई है, इसके अगेंस्ट अपोजिशन बढ़ता आ रहा है। इतना अपोजिशन बढ़ा है कि अब जो अपर एज लिमिट कर दी गई है, वो कर दी गई 23 साल। पहले जो 17.5 साल से 21 साल थी, उसको 23 साल कर दिया गया है। तो अब सरकार थोड़े थोड़े रिलैक्सेशंस कर रही है, आगे भी करने पड़ेंगे। इस प्रकार के प्रोटेस्ट चलते रहे। बहुत बड़े बड़े आर्मी वेटरन्स ये बोल रहे हैं कि जो लोग ट्रेनें फूंक सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को तबाह कर सकते हैं, वो कभी भी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल नहीं बन सकते। हालांकि जो लोग यहाँ पे बवाल कर रहे हैं, उनका एक अलग लॉजिक है। सब अपना अपना लॉजिक दे रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। भैया, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में PLFS सर्वे के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो नौकरी नहीं होने वाला काम है, वो बढ़ा है, मतलब कम हुआ है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा घटा है। कितना घटा है इसको देखेंगे। US इंडिया के 3 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को पैसा देगा, कितना, लगभग $122 मिलियन, 12 करोड़ 20 लाख रुपए के अप्रॉक्सीमेट। कौन कौन आएगा इसमें, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इसको हम लोग देखेंगे। फिर भाई, गोरखास को यहाँ पे नॉन इंडियन बोल दिया गया। क्या गोरखास इंडियन नहीं है? एक बहुत बड़ी आबादी गोरखास की रहती है इंडिया के अंदर। एक्चुअली में इस गोरखा नाम के शब्द का मतलब क्या होता है? नेपाली सिटीजन से ये जो इंडियन गोरखास हैं, वो कैसे अलग हैं? कितने लंबे समय से ये आसाम और वेस्ट बंगाल के इलाके में रह रहे हैं? इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर भाई, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को क्लियरली बोला है कि बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अगर आप घर तोड़ रहे हो, डेमोलिशन कर रहे हो, तो वो गलत है। जल्दी ही काउंटर पिटीशन फाइल करो। इस न्यूज़ को देखेंगे। और जेक सुलिवन ने, जो कि US के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला है कि भाई, US इंडिया के साथ एक लॉन्ग गेम खेल रहा है। अक्सर कर US को इस बात पर क्वेश्चन किया जाता है कि आपने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, बट आपके सैंक्शंस को इंडिया नहीं मान रहा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन है, और ओवरऑल हम इंडिया के ऊपर फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में इंडिया को एक स्ट्रेटजिक पार्टनर मानते हैं, इसलिए हम इंडिया के ऊपर किसी भी प्रकार का कोअर्शन मेजर नहीं लेंगे रशिया के स्टैंस को लेके। तो इस न्यूज़ को देखेंगे। इतनी न्यूज़ हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीज़ों का लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर आपको जुड़ने की कोशिश करता हूँ, आपके क्वेश्चनों के जवाब देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की PDF वगैरह मिल जाती है, लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। चैनल पे हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये दोनों ही ऑप्शंस आपको लाइक बटन के बगल मिल जाएंगे, तो दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, एड्यूलेशन। व्हाट इज़ एड्यूलेशन? एक्सट्रीम एडमायरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचना, ठीक है ना। इंटेंस एडोरेशन, समझ गए ना, बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना। एडमायरेशन होता है ना कि अरे क्या लड़का है, बिल्कुल टॉप कर गया भैया, 10वीं में 90% ले आया, और आगे इसका ब्यूटी और राइट है, या कोई क्रिकेटर है तो भाई क्या खेलता है, कल तो ये सचिन से कम नहीं बनेगा। इसको आप बोलते हो एक्सट्रीम एडमायरेशन, एड्यूलेशन, ठीक है भाई। तो पहली न्यूज़, एंटी अग्निपथ स्टेट टर्न्स वॉलेंट। भाई, हज़ारों की तादाद में बहुत सारे स्टेट्स में जो लोग हैं, वो सड़कों पे उतर रहा है, खासकर जो यंग यूथ है वो सड़कों पे उतर रहा है। इसने बोला है कि कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन मत करो जॉब में, जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दी जाती है 4 साल 5 साल, ये मत करो। क्योंकि देखिए, बहुत सी बात है, ये बच्चे क्या सोचेंगे कि यार हम आर्म्ड फोर्सेज में जा रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेज में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, आप देश की सेवा कर सकते हैं, आपकी जान जा सकती है, आपके हाथ पांव टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो जब ये यूथ ज्वाइन करता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं आर्म्ड फोर्सेज में जा रहा हूँ, तो भाई कल की डेट में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को या फिर मेरा इंडियन आर्मी ध्यान रखेगी। लेकिन यहाँ तो इंडियन आर्मी नौकरी ही 4 साल के लिए दे रही है। तो ओवरऑल इस बात पे कहीं ना कहीं जो यूथ्स हैं, वो थोड़ा भड़के हुए हैं, और इनका साथ दे रही हैं अपोजिशन पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, फार्मर एसोसिएशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट आर्ट फोर्ड, ये सब उतर आए हैं, और ये जो 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अग्निपथ के अगेंस्ट अपोजिशन बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि BJP के साथ ही एफिलिएटेड है, और इसका एक ट्रेड यूनियन है भारतीय मजदूर संघ, इन्होंने बोला है कि जो प्रोटेस्ट हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मतलब अपोजिशन प्रोटेस्ट को भड़का रहा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने अग्निपथ स्कीम को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि स्कीम के अगेंस्ट लोगों के अंदर गुस्सा है। तो यू प्रोटेस्ट कहाँ कहाँ पे हुए? बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। बहुत सारे प्रोटेस्ट आपका दिल्ली में भी हुआ है। इंडियन रेलवेज की 34 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ गया, 72 ट्रेनें लेट चल रही हैं इन प्रोटेस्ट के चलते। बहुत सारी जगहों पे ट्रेन के कोचेस को जला दिया गया, कैमूर, छपरा डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन मूवमेंट्स को ब्लॉक कर दिया गया, सीवान, आरा, जहानाबाद, नेवाड़ा, सहरसा, छपरा में।
15 पुलिस पर्सनल को चोटें लगी हैं, कुछ लोग सीरियसली इंजर्ड भी हुए हैं। यहाँ पे दिल्ली हाई जयपुर हाईवे गुड़गांव 6 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया, बहुत जगहों पे ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया हरियाणा राजस्थान में, मतलब हालात काफ़ी ख़राब है। ओके, और वजह क्या है, तो वजह तो मैंने आपको यहाँ पे बताई है भाई। पहले क्या होता था कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेंशंस वगैरह सब मिलते थे, सैलरीज भी मिलती थी, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती थी, 30-40 हज़ार ही सैलरी होती थी एक ऐसे जवान की, बट उसके दिमाग में कहीं ना कहीं होता था कि यार 60 साल तक नौकरी फिक्स है और उसके बाद 60 साल नहीं तो मतलब जो भी उनकी एक्स सर्विसमैन वाली एज थी, और उसके बाद हमें कहीं ना कहीं कोटा मिल जाएगा, एक्स सर्विसमैन का पेंशन मिल जाएगी, ये सब यहाँ पे हटा दिया गया। ओके, 60 साल मैंने गलती से बोल दिया, उसको मत दीजिएगा। ओके, फिर भाई सरकार क्या बोल रही है कि अग्निवीर्स को सिविल सोसाइटी में इन्फ्यूज़ किया जाएगा। अग्निवीर्स क्या बोल रहे हैं कि हमारे डिफेंस बैकग्राउंड को देख के हो सकता है बहुत सारे लोग आपको नौकरी ना भी दें, तो सोल्जर की तरह जो स्किल्स हम सीखेंगे वो सोसाइटी में कैसे अप्लीकेबल होंगी, इस बात को लेके बहुत सारे जो आपके लोग यूथ्स हैं वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो प्रोटेस्ट जारी हैं और हो सकता है कि ये लंबे चलें, और यहाँ पे डिफेंस एनालिस्ट भी इस पर्टिकुलर अग्निपथ स्कीम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्या है ना कि 4 साल के लिए आप अग्निवीर को अगर रिक्रूट करते हो तो उसको जो मैक्सिमम ट्रेनिंग दोगे वो आप दोगे 6 महीने की, और डिफेंस एनालिस्ट का बोलना है कि एक सोल्जर की ट्रेनिंग कम से कम 6 से 7 साल चलती है। उसको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आईएमए ज्वाइन करते हो तो आईएमए में आप 3 साल रहोगे, 1 साल आप एनडीए में रहोगे फाइनली, और फिर किसी आप प्लटून में जाओगे एज अ कमांडर या फिर जिस तरीके से भी एनडीए के थ्रू ऑफिसर जो रिक्रूट होते हैं। एक इन्फेंट्री के जवान की भी जो प्रॉपर ट्रेनिंग है उसको प्रॉपर सोल्जर बनने में 6 से 7 साल लगते हैं। यहाँ पे केवल 6 महीने की ट्रेनिंग देके आप 4 साल के लिए रिक्रूट कर रहे हो, यहाँ पे ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस आर्मी की इफेक्ट हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है। डिफेंस एनालिस्ट का ये भी बोलना है कि भी रशिया यूक्रेन वॉर में जिन रशियंस को केवल कुछ महीनों की ट्रेनिंग देके भेज दिया गया लड़ने के लिए यूक्रेन में, उन्होंने बहुत डिजास्ट्रसली परफॉर्म किया है। मतलब एक लंबी ट्रेनिंग ज़रूरी है और लंबी ट्रेनिंग 4 साल में नहीं हो पाएगी। तो डिफेंस एनालिस्ट ये जो पॉइंट है आपका अग्निपथ स्कीम का, इसको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से बोला है कि आप रिटेलिएशन के तौर पे डेमोलिशन नहीं कर सकते। अभी आपको पता ही है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल वाला केस, प्रोफेसर मोहम्मद साहब के ऊपर कंट्रोवर्शियल कमेंट्स दिए गए, तो भाई इस्लामिक नोशंस ने अपोजिशन किया और इंडिया के अंदर भी अपोजिशन हुआ। अब इंडिया के अंदर जो अपोजिशन हुआ है, ऐसा बताया जाता है कि उनके घरों को यहाँ पर गिराया गया, बुलडोज किया गया। ऐसा नहीं था कि उनके घर इलीगल नहीं थे, उनके घर इलीगल थे, तो इविक्शन नोटिस एकदम से सर्व किया गया और उनके घर गिरा दिए गए। तो मतलब जब घर गुराए जा रहे हैं तो या तो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से गिराओ, एकदम से जब कोई प्रोटेस्ट में या राइट में इन्वॉल्व होता है तो उसको टारगेट किया जाता है। देखिए, प्रोटेस्ट और जो राइट कर रहे हैं वो कोई बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पब्लिक हारमोनी ख़राब कर रहे हैं, ओवरऑल सोशल ऑर्डर को गलत कर रहे हैं। लेकिन सरकार का क्या है कि हम आयरन हैंड से इसको नहीं होने देंगे, तो बुलडोज कर दिए, घर गिरा दिए। अब सरकार का बोलना है कि हमने घर इसलिए नहीं गिराए क्योंकि तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो राइट को, तुम्हारे घर इलीगल है, इलीगल तरीके से तुम्हारे घर है, इसलिए हम इसको एविक्शन नोटिस दे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हम राइट्स और प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तभी हमारे घर गिराएंगे, तो इस तरीके की बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज, हाई कोर्ट के पुराने जज यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे सरकार को। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया एवरीथिंग शुड बी फेयर, और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को 3 दिन दिए हैं कि जो तुमने इलीगल डेमोलिशन किया है इसके रिस्पेक्ट में अपना काउंटर रिस्पॉन्स सबमिट करो। देखिए, यहाँ पे एक मुस्लिम बॉडी है जिसका नाम है जमियात उलामा ई हिंद। तो जमियात उलामा ई हिंद बॉडी ने ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है कि भाई ये उत्तर प्रदेश सरकार को आप डायरेक्शंस दीजिए कि तुरंत डेमोलिशन बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि भाई देखिए, हम एकदम से किसी सरकार को ये नहीं बोल सकते कि आप डेमोलिशन बंद करो, डेमोलिशन करना सरकार की पावर के अंदर है, लेकिन हम ये ज़रूर चेक कर सकते हैं कि जो डेमोलिशन हो रहा है क्या वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके हो रहा है। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से रिस्पॉन्स मांगा है, 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट को रिस्पॉन्स देगी कि हाँ भाई हमने इस बेसिस पे डेमोलिशन किया है, और फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ भाई जो डेमोलिशन हुए हैं उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया या नहीं किया गया। ये ओवरऑल यहाँ पे हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज एस बोपाना विक्रमनाथ हैं, इनका ये बोलना है, एस बोपाना विक्रमनाथ जी का, कि देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो राइट्स कर रहे हैं, वो भी सोसाइटी के मेंबर हैं, देश के नागरिक हैं, तो उनकी सेफ्टी को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बिना उनका घर तोड़ रहे हो तो गलत है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब हैं, उनका क्या बोलना है
कि ऐसा नहीं है हमने ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया। अगस्त 2020 में भी नोटिसेस जारी किए गए थे, तो नोटिसेस पहले जारी किए जा चुके हैं। ओवरऑल अब हम यहाँ पे घर गिरा रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम बॉडी है जमियात उलामा हिल्द, इसका ये बोलना है कि घर एग्जैक्टली उसी समय पे गिराया जा रहा है जिस समय पे वो इंडिविजुअल प्रोटेस्ट और राइट में इन्वॉल्व था। तो आप स्टैंडर्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं कर रहे हो। जमियात उलामा हिंद की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट हैं सीयू सिंह, हुफैजा अहमदी, नित्या रामकृष्णन आ रहे थे, इन्होंने बोलना कि भाई देखिए जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं गलत तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस जो भी एलेज्ड राइट एक्यूज्ड है उसको बिना कोई अपॉर्चुनिटी दिए ही उसका घर यहाँ पे गिराया जा रहा है, इस प्रकार की बातें जमियात उलामा ई हिल्द की तरफ से जो एडवोकेट्स हैं वो बोल रहे हैं। फिर जो सीयू सिंह है जो कि जमियात उलामा ई हिंद की तरफ से, इनका बोलना है कि भाई 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था कि जहांगीरपुरी इलाके में कोई भी फर्दर डेमोलिशन नहीं होना चाहिए था। तो जहांगीरपुरी इलाके में तो डेमोलिशन रुक गया लेकिन बाकी जगहों पर डेमोलिशन जारी है, तो इस डेमोलिशन को रोकने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार गलत तरीके से काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डेमोलिशन नहीं रोके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का रिस्पांस मांगा, रिस्पांस के बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी स्टेप लेगा मैं आपको करंट अफेयर्स में बताऊंगा। जीएस पेपर 2 में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। तो भैया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कंडक्ट करवाई गई और इसने ये बताया है कि भाई जनवरी से मार्च 2022 के टाइम पीरियड में जो अर्बन इलाकों में एम्प्लॉयमेंट रेट है वो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटा है। जो प्रीवियस क्वार्टर था अक्टूबर से दिसंबर 2021 उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 8.7% और जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर है तो जनवरी से मार्च 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 8.2%। ये अनएम्प्लॉयमेंट जनवरी से मार्च 2021 में था 9.3%। मतलब ओवरऑल पिछले कुछ क्वार्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा घटता नजर आ रहा है, ऐसा पीएलएफएस सर्वे बोल रही है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का बोलना था कि जब ये सर्वे रिजल्ट्स 2020-21 के लिए आए थे तो 2020-21 में जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो था आपका 4.2% और 2019-20 में कितना था 4.8%। लेकिन अब 4% से ये 8% क्रॉस कर चुका है क्योंकि कोविड वगैरह आ गया बीच में, तो कोविड में तो अनएम्प्लॉयमेंट वैसे भी बढ़ा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो क्वार्टरली सर्वे रिजल्ट्स हैं जनवरी से मार्च 2022 के, इसमें जो वुमेन फीमेल जो कि 15 साल से ज़्यादा की हैं अर्बन इलाकों में, जो इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10.1% हो गया। पिछले साल के कंपैरिजन से थोड़ा कम है, पिछले साल 11.8% था, इस साल 10.1% है। ये पहले क्वार्टर जनवरी मार्च 2022 को जनवरी मार्च 2021 से कंपेयर किया जा रहा है। और जो पिछला क्वार्टर था अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, उसमें 15 साल से ज़्यादा की फीमेल्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.5% था, अभी के लिए जनवरी से मार्च 2022 में 10.1% हो गया। मतलब लॉकडाउन के बाद जो जगहें खुल रही हैं वर्क प्लेसेस उससे शायद एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मेल्स का वो 7.7% हो गया, पिछले साल के क्वार्टर में 8% था। मतलब जनवरी से मार्च 2022 में मेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7% था, जनवरी से मार्च 2021 में 8% था और अक्टूबर से दिसंबर 2021 में 8.3% था। अगर टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की जाए, आप बोलोगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, तो वो आबादी पॉपुलेशन का जो कि अपनी लेबर सर्विसेज को ऑफर कर रहा है, उनको नौकरी लगी नहीं लगी वो एक अलग बात है, तो जो भी अपने आप को लेबर सर्विसेज के लिए ऑफर कर रहा है उसकी नौकरी लगी या नहीं लगी रही है उसको आप बोलोगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से अर्बन इलाकों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जनवरी से मार्च 2022 के क्वार्टर में हो गया 47.3%, ये जनवरी से मार्च 2021 के क्वार्टर में था 47.5% और अक्टूबर से दिसंबर 2021 के क्वार्टर में था 47.3%। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, मतलब एक्चुअली में जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, तो वर्कर पॉपुलेशन रेट करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से अर्बन इलाकों में है 43.4% फ्रॉम जनवरी से मार्च 2022, जनवरी से मार्च 2021 में 43.1% था और अक्टूबर से दिसंबर 2021 में 43.2% था। जीएसएफ 2 अनएम्प्लॉयमेंट में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर भाई गुरखास को यहाँ पे एंटी इंडियन बोल दिया गया, नॉन इंडियन बोल दिया गया। किसने बोला, तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के एक डायरेक्टर ने। देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। एक्चुअली में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वीं वर्षगांठ हमारी आज़ादी की, इसके लिए बहुत सारे फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज़ कराए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे फंक्शंस ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। अब हुआ ये है कि जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है इसने क्या किया, जितने भी इसके रीजनल ऑफिसेस हैं उनको चिट्ठी भेजी और बोला कि भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन है तो आपकी तरफ से अगर कोई गाना वगैरह है या फिर कोई परफॉर्मेंस है तो बताइए। तो ऐसी ही एक परफॉर्मेंस का जो आप कह लीजिए ये प्रपोजल है
वो गया था किसकी तरफ से, गुरखास की तरफ से। अब ऑब्वियसली बात है, गुरखास जब परफॉर्म करेंगे तो हिंदी में तो नहीं करेंगे, उनकी जो लैंग्वेज है नेपाली उसमें परफॉर्म करेंगे। तो यहां पे ओवरऑल AIWC के जो चीफ हैं मिस पांडे जी ने ये बोल दिया कि देखिए रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस की पैट्रियोटिक सॉन्ग, रीजनल लैंग्वेजेस में जरूर डांसेस परफॉर्म हो सकते हैं बट पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होने चाहिए, और नेपाली की उन्होंने नॉन इंडियन भाषा बोल दिया। इस बात को लेके जो ओवरऑल गुरखा ऑर्गेनाइजेशन से वो नाराज हो, AIWC के कालिमपोंग के जो सेक्रेटरी हैं अरुणा प्रधान, इन्होंने मिस पांडे से बोला कि देखिए नेपाली तो आपके 8वें शेड्यूल में आती है तो आप हमको साइडलाइन क्यों कर रहे हो। मिस पांडे का क्या बोलना है कि भाई देखिए नेशनल एंथम नेपाली में बोला जाए ये सही नहीं है, क्योंकि नेपाली एक इंडियन भाषा नहीं है, और ये जो गोरखास हैं ये माइग्रेंट्स हैं, इसलिए एक इंडियन इवेंट में इनको परफॉर्म करने की परमिशन नहीं है। कुछ इस प्रकार की बातें मिस पांडे ने बोल दी। इस बात को लेकर गोरखा कम्युनिटी यहाँ पर बहुत नाराज़ हो गई, गोरखा ऑर्गेनाइजेशंस एकजुट हो गए। इन गोरखा ऑर्गेनाइजेशंस का ये बोलना है कि भाई ओवरऑल नेपाली गोरखा इंडिया में 1,05,00,000 इंडियन गोरखास के द्वारा बोली जाती है। गोरखा लैंग्वेज को, इनफैक्ट नेपाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया था। ये बोला है रमेश बस्तोला ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय गोरखा युवा परिषद की। तो अब ऐसे केसेस में AIWC की ये जो हेड है मिस पांडे, ये ऐसा कैसे बोल सकती हैं। मिस पांडे से यहाँ पे अनकंडीशनल माफ़ी मांगी जा रही है, अगर इन्होंने माफ़ी नहीं दी, मतलब माफ़ी नहीं मांगी, तो लीगली ये कह रहे हैं कि इस मैटर को ये टेकअप करेंगे। इनका ये बोलना है कि ऐसा नहीं है, मतलब गोरखा ऑर्गेनाइजेशन का बोलना है कि ऐसा नहीं है कि गोरखा सिर्फ नेपाल में रहते हैं, गोरखा एक इंडो आर्यन और मंगोलॉयड एसिमिलेशन से पैदा हुए लोग हैं, ये इंडिया में भी बहुत हजारों सालों से रह रहे हैं, जब नेपाल नहीं बना था तब से ये इंडिया के अंदर रह रहे हैं। तो ये बोल देना कि भाई गोरखास इंडियंस नहीं है, नेपाली इंडियन भाषा नहीं है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं हो सकता, ये गोरखास को एलिनेट करने वाली बात है। और देखिए कुछ हद तक इनकी बात सही भी है। इस प्रकार से आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जिसके बहुत बड़ा साइजेबल अमाउंट हमारी आर्मी में काम कर रहा है, इंडिया में ये रहते हैं, अपने आप को इंडियंस मांगते हैं, इनको ओवरऑल ऐसे साइडलाइन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इंडियन गोरखास को नेपाली इंडियंस भी बोला जाता है, नेपाली भाषा ये बोलते हैं। हालांकि अगर एथनीसिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत अलग अलग एथनीसिटी के गोरखास हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खास पर्वतिया जिनको आप बाहुन हिल ब्रह्मिंस बोलते हो, क्षेत्री ठाकुरी बदी कामी दमई सरकी गंदरबा कुमाल, कुछ और तिब्बतो एथनिक ग्रुप्स हैं जैसे गुरुंग मगर नेवार भुजेल थामी, बहुत सारी तिब्बतो बर्मीज भाषा ये बोलते हैं, नेपाली एक मेजर भाषा है जो कि ये गोरखास बोलते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से 29,00,000 लोग अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में नेपाली को अपनी मदर टंग मांगते हैं, और एक बड़ी आबादी इनकी कहाँ रहती है, वेस्ट बंगाल के अंदर। हालांकि जो इंडियन गोरखास हैं इनके सामने एक बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस है। एक्चुअली में इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी है जिसका नाम है इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेपाल का कोई इंडिविजुअल इंडिया में आ सकता है, रह सकता है, जॉब कर सकता है, इंडिया का कोई इंडिविजुअल नेपाल में जा सकता है, रह सकता है, जॉब कर सकता है। तो अब ऐसे केसेस में बहुत सारे गोरखास जो कि हमेशा से इंडिया में रह रहे हैं उनको नेपाली समझा जाता है, उनको समझा जाता है कि भाई ये लोग नेपाल से आए हैं, नेपाल से आके इंडिया में सेटल हो गए, जबकि वो इंडियंस हैं, वो हमेशा से इंडिया में रह रहे थे, उनका नेपाल से कोई लेना देना नहीं है, शायद किसी के तो घर वाले भी नहीं है, ज़्यादा जाना भी नहीं होता, उनको भी आप नेपाली टैग दे दो, ये गलत है। कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी क्राइसिस ये इंडियन गोरखास फेस कर रहे हैं, ये बात सही है। GS Paper 2/1 पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज एंड इंडिया नेबरहुड में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज़ है US टू फंड 3 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि टॉप 3 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन को हम $122 मिलियन देंगे, लगभग 12,24,75,000 रुपये देंगे, 12,24,75,000। ये 5 साल में दिया जाएगा पैसा। तीन टॉप इंस्टीट्यूट्स कौन से, एक तो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है जो, और एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है US का, ये पैसा दे रहा है इंडिया को, किस लिए दे रहा है, ताकि इंडिया में जो इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड थ्रेट्स हैं इनको शुरुआत में आइडेंटिफाई किया जा सके और टैकल किया जा सके। तो इंडिया के अंदर जूनोटिक डिजीजेस के आउटब्रेक को डिटेक्ट करना, कंट्रोल करना, वैक्सीन सेफ्टी के मॉनिटरिंग सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना, एक पब्लिक हेल्थ फोर्स बनाना एपिडेमियोलॉजी के फील्ड में, आउटब्रेक रिस्पांस के फील्ड में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में शोध करना, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है। सेंटर फॉर CDC मतलब ये जो सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है US का, इसका बोलना है कि ICMR के पास ये कैपेबिलिटी है कि ऐसा कर सकते हैं। तो ICMR और ICMR से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट
जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी आता है, इसको यहाँ पे ये पैसा दिया जा सकता है। ये इंस्टीट्यूट्स वैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आते हैं। इंडिया के अंदर प्रायोरिटी पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करना, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड डाटा कोलेक्ट करना, सर्वेलेंस करना ताकि कोई बीमारी ना फैल जाए, ये इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी कहते हैं ऑलरेडी करते हैं। इनकी इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को और इम्प्रूव करने के लिए 12 करोड़ 22 लाख CDC के द्वारा दिए जा रहे हैं। जी, इस पेपर 2 में आपको न्यूज़ काम आएगी, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट में। और आज की फाइनल न्यूज़, US एक लॉन्ग गेम खेल रहा है इंडिया के साथ रिलेशनशिप में, जेक सुलिवन साहब ने बोला है। तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवन USA के, उन्होंने बोला है कि भाई देखिए मॉस्को के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए। एक्चुअली इनसे रिपोर्टर ये पूछ रहे थे कि भाई मॉस्को के ऊपर आपने सैंक्शंस लगाए हैं, बट यूनाइटेड नेशंस में कभी भी आपकी डिफाइंड पोजीशन को इंडिया फॉलो नहीं करता, तो क्या इंडिया US के बायलेटरल रिलेशन अच्छे हैं? तो जेक सुलिवन ने बोला है कि इंडिया इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर USA, और US के सैंक्शंस को अगर इंडिया फॉलो नहीं कर रहा है तो भी हम इंडिया के साथ एक लॉन्ग गेम अप्रोच लेके चल रहे हैं। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, अपने हिसाब से डिसीजन लेने वाला कंट्री है, हम उनको कोअर्स नहीं करेंगे, हम उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे किसी भी प्रकार की चीज़ को करने के लिए। इसको स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो पहले जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए थे दलीप सिंह, इन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया को धमकी दे डाली थी कि अगर कंट्रीज़ ने US के सैंक्शन को नहीं माना तो कंसीक्वेंसेज होंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है, इंडिया उसके सामने दबा नहीं, और US वालों को भी समझ में आया कि यार साउथ एशिया में एक ही ताकत है जो कि इस समय भी US के साथ खड़ी हुई है, वो है इंडिया। तो इंडिया को साइडलाइन करना, इंडिया को इस समय पर आइसोलेट करना US के फेवर में भी नहीं है। तो भले ही रशियन सैंक्शंस के ऊपर इंडिया US का साथ नहीं दे रहा, US फिर भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इंडिया के साथ मेंटेन करके रखेगा। US कह रहा है कि हम बहुत हद तक अपनी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है इंडिया और US की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि US भी जानता है कि इंडिया का जो काम है वो रशिया के रिस्पेक्ट में चाइना के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। अगर चाइना को आगे आने वाले समय में कोई कंट्री कॉम्पिटिशन दे सकता है तो इंडिया, US इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए रशिया के मुद्दे को लेके इंडिया से रिश्ते बिगाड़ना ये कैसे भी समझदारी नहीं है, और US ये गलती नहीं करेगा। जी, इस पेपर 2 IR और इफेक्ट ऑफ पॉलिटीज इन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, हो सके तो ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबाएं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।